वैसे आज की वीडियो अगर हमारी सिर्फ इस टॉपिक पर है कि अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स जो है वो मंथली प्रिपेयर करनी है, वीक वाइज प्रिपेयर करनी है, डेली पढ़ना है, डेली टाइम देना है, या कैसे करना है। ओके ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। गाइस आपको जो है करेंट अफेयर्स वो डेली नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप डेली कर रहे हैं इसका मतलब है आप करेंट अफेयर्स को डेली 2 घंटे दे रहे हैं। ओके डेली 2 घंटे दे रहे हैं तो आपको लास्ट टाइम पर जो है रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, बट आपके लिए इजी होगा, आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फंसेंगे। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस जो ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपने रिवीजन कर लिया तो। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो आपके जो है जो पढ़ाई है वो पूरी मारी जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है डेली वीक डेली वाइज मैं मना करूँगा कि डेली ना करिए। वीक वाइज का कोई औचित्य नहीं है ना, वीक वाइज कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट वीक वाइज जो है वो बहुत ही कम टीचर कराते हैं वीक वाइज कैसे करना है क्या करना है। आप जो है मंथली करेंट अफेयर्स करिए। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 मंथ में से आपको जितना मिलेगा वो आगे पीछे से नहीं मिलेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ओके तो आप मंथली करिए, केवल एक टीचर पर फोकस ना करिए, कई टीचरों की पढ़िए, है ना। और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, डिफेंस वाली रिलेटेड और गवर्नमेंट जो योजनाएँ आती हैं उन पर ध्यान दीजिए। और जो स्टेट वाली जो योजनाएँ आती हैं वो थोड़ी सी कम पूछी जाती हैं रेदर देन जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट योजनाएं पूछी जाती हैं। तो आप सेंट्रल वाले पे ज़्यादा ध्यान से सकते हैं और स्टेट योजनाएं जो हैं वो छोड़ भी सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। तो आप मंथली करनी है और एक टीचर पे डिपेंड रहे ओके नहीं करना है, ठीक है। और गाइस जब आप जो है मंथली करेंट अफेयर्स कर लें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो आपको यहीं रुक नहीं जाना है। उसके अलावा आपको एक कोई पतली सी किताब लेके आनी है जिसमें लास्ट के 4-5 महीने का दिया हो, 6 महीने का जितना बताया है, ठीक है। जब आप फरवरी तक कर लेंगे तब आप मार्च से जो है उसे ही रिवाइज करिए और उस नई बुक में से पढ़िए, आप क्वेश्चंस करिए, कुछ वहाँ से भी आप इकट्ठा करेंगे ओके, तब आपका जो है करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। ऐसे जो है मैंने देखा था जब इस बार के अटैम्प्ट में कि 20 में से मेरे 14 क्वेश्चंस जो हैं 4 महीने से मैच कर गए थे और 6 क्वेश्चन जो हैं क्योंकि मैं डेली नहीं पढ़ता था तो उस हिसाब से नहीं आए थे, लेकिन 14 क्वेश्चन जो हैं वो मैच करे थे। तो 14 भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप डेली पढ़ रहे हैं तो भी क्या गारंटी है आप 20 में से पूरे 20 क्वेश्चन ही आपके वहाँ पर मिल जाएंगे करंट अफेयर्स में, है ना। तो फिर आप जो गाइस करेंट अफेयर्स को मंथली कर सकते हैं ओके।